हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सारा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। 250 ग्राम दही लिया है। गर्म दूध में मैंने 15 से 20 केसर की पत्ती भिगो के रख दिया है और उसी में थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। 10 से 12 ग्रीन चिलीज ली हैं, उन्हें ऐसे चॉप कर लिया है। 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 3 मीडियम साइज की अनियन ली हैं, उन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। 1 कप मैंने पुदीना लिया है। 1/2 कप धनिया पत्ती ली है। येलो चिली पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून। 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। 2 टीस्पून बिरयानी मसाला लिया है। बिरयानी मसाला की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जो हमने प्याज को फ्राई करने में यूज़ किया था, हम उसी ऑयल को अब मैरिनेशन में भी यूज़ करेंगे। और 1 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं, इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 दालचीनी लकड़ी ली है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, 3 से 4 लौंग ली है और ये कुछ पत्ती जावित्री के लिए है। ये हम चावल के पानी को जब बॉईल करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब हम इसमें ये जो खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे जिससे कि चावल चिपके ना, और फिर इसमें चावल को कुक कर लेंगे 90% तक के। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है चावलों के लिए, हम चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। तो इसमें हम पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, पीला मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, तेल ऐड करेंगे, दही डालेंगे इसमें, हल्दी डालेंगे, बिरयानी मसाला, धनिया पत्ता डालेंगे, बस थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी हम इसमें डाल देंगे, 1/2 पुदीना डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे पूरी। इसे अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मिक्स करने के बाद मैरिनेशन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं यहीं पर, और चावलों का पानी भी बॉयल हो गया, अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। ये देखिए पानी भी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसे 90% तक कुक कर लेंगे। चावलों में डालने के लिए मैंने यहाँ पे खड़ा नमक लिया है, आप पिसा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अंदाजे से इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए चावल भी हमारे हो गए हैं 90% कुक। अब हम इन्हें एक बड़ी सी ट्रे में निकाल के फैला देंगे थोड़ा सा, ताकि ये ठंडे हो जाएं। इस तरह से चावल को 3 बैचेस में निकाल के रख लिया। यहाँ पे मैंने एक तवा नीचे लगाया है, अब इसके ऊपर हम बड़ा बर्तन एक लगाएंगे जिसमें हमें पूरी बिरयानी बनानी है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, मैरिनेटेड चिकन। सबसे नीचे हमने चिकन की लेयर लगा दी है, अब हम इसमें चावल की एक लेयर लगाएंगे। ये जो हमने दूध में केसर और थोड़ा सा फूड कलर डाल के रखा है, इसमें हम 2 टीस्पून बिरयानी मसाला और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और एक लेयर इसकी लगाएंगे। धनिया और पुदीना मैंने मिक्स कर लिया है, इसकी अब एक लेयर लगाएंगे। यही सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इसे कवर करके दम पे रख देंगे। इस तरह से हम इसे फॉइल से कवर कर देंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि जो हमारा नीचे हमने तवा लगाया है वो अच्छे से हीट हो जाए। फिर हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम इसको खोल के इसको मिक्स कर। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलते हैं, मिक्स करते हैं, फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम भी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए चिकन भी कितना अच्छा कुक हो गया है। ये देखिए
मैं आपको यहाँ पे चिकन को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन बिल्कुल गल गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाएगी। इसे आप एक ट्राई ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी हैदराबादी बिरयानी कैसी बनी। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।